बड़ी खबर जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, जेल के अंदर हैं अरविंद केजरीवाल और बाहर उनके समर्थक कर रहे हैं भारी हंगामा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में वहां पुलिस है और लगातार हटाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ गई एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह। सरोज, ताजा जानकारी क्या है? सरोज, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, इस वक्त किस तरह की स्थिति है वहां? ट्रैफिक जैम जो है वो पूरा यहां पर लगा हुआ है और अभी तक सड़क का एक तरफ का ट्रैफिक जो है वो यहां पर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरह से समर्थक जो है वो दूसरी सड़क पर पहुंच गए हैं, जाहिर सी बात है अब उधर भी लोगों को जाने में दिक्कत आने वाली है। और बस जो यहां पर जिसमें योगेंद्र यादव को ले जाया जा रहा था उसे तुरंत यहां से हटा लिया गया है ताकि योगेंद्र यादव जो है उन्हें समर्थक लेकर के बस से नीचे ना उतर जाएं, और बाकी जो है नेता वो यहां पर इस वक्त दूसरी तरफ बैठे हुए। सड़क के एक तरफ का नजारा ये है और सड़क के दूसरी तरफ सभी समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। अभी तक बात ये की जा रही थी कि शांतिपूर्वक इनको यहाँ से हटाया जाएगा, समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर बाकी समर्थकों के पहुंचने के बाद में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो गई है कि किस तरह से जितने लोगों को हटाया गया है दिल्ली पुलिस, अब बाकी उससे ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे जो हुए हैं उन्हें कैसे हटाएगी। कैमरामैन सुधीर के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज, दिल्ली। हम सीधे रुक करना चाहेंगे सरोज सिंह का। सरोज, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, अभी की स्थिति बस इतनी है यहाँ पर कि अब संजय सिंह और योगेंद्र यादव को बस में भरकर ले जाया गया है। इस वक्त यहाँ पे राखी बिरला और मनीष सिसोदिया बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस तरफ मनीष सिसोदिया राखी बिरला के साथ यहाँ बैठी हुई हैं, महिला पुलिसकर्मी उनके साथ थोड़े कम हैं, जिसकी वजह से राखी बिरला को यहाँ से हटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है पुलिस वालों के लिए भी, और इसलिए अब ये मीडिया को भी यहाँ आने की मनाही कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त जरूर हुई है यहाँ, पुलिस ने चूंकि सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया है इसलिए अब थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, लेकिन अभी दो बड़े नेता आप पार्टी के, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें और राखी बिरला की बात करें, तो वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी अहम बात यहाँ पे नेहा, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से ये बस में भर कर ले जाया जा रहा है इन्हें, लेकिन ये वापस घूम कर आ रहे हैं और उसी में शुमार है वंदना कुमारी भी, इन्हें भी बस में भरा गया था, ये यहाँ से चली गई थी वापस अपने समर्थकों के साथ, ये यहाँ पर लौट आई है। सड़क के उस पार अगर हम आपको दिखा सके तो कुछ झंडे बड़े बड़े घोटाले करते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हंस रहे हैं, मंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, और जो अपराध के खिलाफ हैं उनके साथ पुलिस ज्यादती कर रही है, और वो अरविंद केजरीवाल अंदर तिहाड़ के अंदर है, ये न्याय इस देश का। योगेंद्र यादव को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा है कि जो लोग घोटाले कर रहे हैं वो बाहर हैं और जो न्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं वो अंदर हैं। सरोज हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सरोज, आप ये बता रही थी कि मनीष सिसोदिया और राखी बिरला अब भी वहां मौजूद है और पुलिस उन्हें वहां से हटाने के लिए बार बार उनसे बातचीत कर रही है। अपना प्रश्न दोहराए सरोज, आपसे जानना चाहेंगे राखी बिरला और मनीष सिसोदिया क्या अब भी वहां मौजूद हैं और पुलिस क्या कह रही है उनसे, कैसे हटाने की कोशिश कर रही है नेताओं को? देखिए, एक महिला पुलिस यहाँ पे मौजूद जरूर है, राखी बिरला से लगातार उसकी बातचीत चल रही है, और मनीष सिसोदिया उनको ये कह रहे हैं कि आप अपने पूरे जीवन में पुलिस के जितना आपने काम किया उसमें जरा एक बात जरूर गौर कीजिएगा, कितने ईमानदार लोगों को आपने ऐसा किया और कितने बेईमान लोगों को, तो कहीं ना कहीं इमोशनल ये यहाँ पर जरूर कर रहे हैं पुलिस वालों को। मनीष सिसोदिया इस तरह से बातचीत कर उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, धारा 144 बताया जा रहा है अब इस इलाके में लगा दिया गया है, पुलिस इसलिए किसी को भी वहां जाने से रोक रही है, मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी इस वक्त यहाँ से हटाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कैमरों में पुलिस हमें उस तरफ जाने से भी मना कर रही है, तो पर्सुएट करने की एक तरफ मनीष सिसोदिया कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन पुलिस वाले उन्हें समझाने बुझाकर बस में बिठाने की कोशिश गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपसे
बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस जो आ रही है आप उसमें बैठकर चले जाएं। लेकिन मनीष सिसोदिया और राखी बिरला यहां से हटने का नाम नहीं ले रही है। राखी बिरला बार बार कह रही है कि महिलाओं को हटाने के लिए आपको महिला कांस्टेबल को बुलाने की जरूरत है, जो आपके पास काफी संख्या में यहां नहीं है। जी सरोज, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक वक्त हंगामा चरम पर था और वहां से कार्यकर्ताओं को घसीटकर पुलिस को ले जाना पड़ रहा था, क्या अब उस स्थिति में कुछ बदलाव हुआ है, वहां कुछ लगाम लगी है? जी बिल्कुल नेहा, वो स्थिति अब यहाँ नहीं मौजूद है, क्योंकि उस समय तकरीबन 100 से ज्यादा कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद थे, जिस वक्त पुलिस ने वो काम किया जो लग रहा था कि घसीट कर उन्हें चढ़ाने की जबरन कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके पहले की थोड़े से अगर मैं आपको बात बताऊं, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये सुलह हो गई थी कि रोड के उस तरफ एक खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, वहां जाकर वो शांतिपूर्वक रूप से प्रदर्शन करें। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस तरफ पहुंचे तो वहां पर बिल्कुल खाली जमीन थी, बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, मिट्टी भरी पड़ी थी, इसलिए वो लोग वापस आ गए और सड़क के किनारे जो फुटपाथ बना हुआ है उस पर बैठ गए ताकि ट्रैफिक अवरुद्ध ना हो। लेकिन अचानक से बस आई और उसमें जबरन जो भी उनके 100-150 कार्यकर्ता थे उन्हें उठाकर भरने की कोशिश की गई और तब स्थिति जाकर थोड़ी सी खराब हुई। उसके पहले यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस को भी लग रहा था कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक में मैनेजमेंट में उन्हें जरूर दिक्कत आ रही थी, जिसका हवाला देकर उन्होंने उन्हें स्थानांतरित करने की गुहार लगाई। बिल्कुल सरोज, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन पूरा मामला क्या है अपने दर्शकों को ये समझा दे, आखिर ये नौबत आई क्यों, अरविंद केजरीवाल जेल क्यों पहुंचे और बाहर उनके समर्थक क्यों कर रहे हैं हंगामा? गडकरी मानहानि केस में केजरीवाल जेल भेजे गए हैं। गडकरी मानहानि केस है जिसमें कोर्ट की अवमानना, पटियाला हाउस कोर्ट की अवमानना पर 23 मई तक अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है। 23 मई तक वो जेल में रहेंगे। दरअसल 31 जनवरी को एक लिस्ट निकाली थी अरविंद केजरीवाल ने और गडकरी को भ्रष्टाचारी कहा था बाकी नेताओं के साथ, और इस पर मानहानि का केस किया। नितिन गडकरी ने जमानत के लिए बॉन्ड भरने से आज अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया, उन्होंने निची मुचलका भरने से मना कर दिया। तो फिर कोर्ट ने 23 मई तक अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा गया है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल जेल में, लेकिन बाहर उनके समर्थक हंगामा अब तक कर रहे थे, अब पुलिस उन्हें वहां से हटा रही है, लेकिन अब भी कुछ बड़े नेता हैं जो बाहर मौजूद हैं।